प्रधान साहब, मैंबर साहब, सरपंच साहब, सूर साहब, कांग्रेस जी आए हैं, विजय सिंह जी सरपंच साहब और मेरे प्रतिनिधि सज्जन बजुर्ग बीबिया भैणा तेजूर साहब यंग जनरेशन सारा का इतने आके मैं धन्यवाद करता। गलां सारिया मेरे वीर ने तुहानू दस दित्तियां, आपां जे दोबारा दोबारा उस चीज नूं रिपीट करिए तो वो चंगा नहीं लगता। पहला तो मैं नाम बोल दूंगा, अमन जी प्रधान साहब, बलविंदर कुमार जी, मुकेश कुमार जी प्रधान जी, रेखा भैन प्रधान, मेजर सुमैलपुर तो सुपाल साहब, सुनील कुमार मैंबर साहब, मंगा जी, भैन जी रीता, हरमीत कुमार, पम्मा पावनी सिंह, करण मंगा, राजू, संदीप, अजय कुमार, रवि, राजू गैर, विजय कुमार, सुनील राजा। मैं सारे का धन्यवाद करता, जे कोई बिचो नाम लिया क्या हो माफ करना क्योंकि जिन्हें के नाम मेरे को लिखे थे मैं उन्होंने बोल दू। प्रभो हम गल करिए आप अकाली दल ते कांग्रेस की, इन्हों ने 65 साल राज कर लिया। सरपंच साहब ने एक गल दसी है मेरे छज के आने का कारण की होया, गुस्सा ना करो किसी गल का क्योंकि मैं भी कांग्रेस काम किया अकाली दल काम किया। अज सरपंच साहब ने कहा मैं क्यों आया क्योंकि आप सारे को पता क्यों आया, मैं क्यों आया मैनू अपने आप का पता भी मैं कि दुख तो आया, मैं इस दुख तो आया भी 65 साल इन्होंने राज कर लिया ते सानू बंदा नहीं फड़ाया, आप भी MLA कीतिया इन्होंने वधिया तरीके नाल, अज चाहे गुस्सा लगे कोई गल नहीं, एक पासे 65 साल दूजे पासे 13 महीने ਵੀਰੋ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ 13 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਪਦੀ ਥਿਊਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣੀ ਆ ਥਿਊਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹਲਕਾ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਸੀਟ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਗਏ ਆ। 117 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 25 ਲੂਜ ਹੋ ਗਏ, 92 ਕੈਂਡੀਡੇਟ MLA ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ 25 ਦੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਭਰਾਵੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਗਏ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੰਗਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਾਮਾ ਭਰਾ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਆ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ MLA ਦੇਖ ਲਿਓ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕਿਉਰਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ 1 ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਆਪਣਾ ਕਾਫਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਦਿਨੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣੇ ਆ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੁਲਕਾ ਛਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, 7 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਲਕੇ ਨੂੰ ਆਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਦਲਕਿਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੇਠਾ ਕੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਵੋਟ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਵੋਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ,
वह काम किने किते आ, वह काम किते 13 महीनों च मान साहब ने। कई बार मैं जाना पिंड बीबिया गैर गैर के देखदी मेरे वाल, क्योंकि इन्होंने हजार हजार रुपया जो वादा किया नहीं आया। वो मैं हम भी दस दिना, वो होर दो तिना महीने की रखड़ी तो पहला मेला ताडे पैसे वह भी आ गए। दूजी गल है कि हर एक MLA तुसी बनाता, सारे तरह के MLA बनाते आ। ये मैनू दस दौ जिन्ने के MLA बने आ साडे भोगां तो बिना, ब्याहां ते सिर्फ इन्हां ने दो चीजां उदों आउणा आ जां भोगां ते बोलण आउणा ता जां ब्याहां ते। ये तुहाडे नाल वादा रह गया, आ मंगे भरा दी कंध ते लिख लो जां सूसां दी शॉप ते लिख लो, अज दी तरीक पा लिओ। दो महीने बाद जे गेड़ा ना मारांगे अगलियां चोणां च तुहानू इह नहीं कहणा वोट पा दिओ। दो महीने बाद हरेक वार्ड च हरेक पिंड च असीं इक थ्योरी बना ली आ वी असीं गेड़ा मारना ही मारना। ये ना समझो अज वोटा मंगना आ गया इन्होंने मौके बढ़ना नहीं। सानू ब्याहां ते ना सद्यो, किसी ते माड़ा समा ना आवे, सानू ब्याहां ते ना सद्यो, असीं तुहाडियां दुख तकलीफां सुन लवांगे। मान साहब ने एक थ्योरी बनाती है हरेक MLA लई, बे भाई तेरे एरिए दे विच हर एक दो महीने बाद, चाहे वह 232 पिंड आ चाहे वह 400 पिंड आ, हरेक दो महीने बाद तेनू गेड़ा मारना पैणा। मान साहब नूं यह भी पता आ वे जे असीं गेड़ा ना मारिया ते ओह हाल हो जाणा जो इन्हां भरावां ने अकाली दल ते कांग्रेस दा कर दित्ता। ये भरावो याद रखियो, मान साहब सीगे जरूर किसे होर दे अंदे सीगे, उन्हां ने आपदी सच्ची सुची नीत सच्ची सुची सोच नाल अज इत्थे तक पहुंच गए आ। क्यों पहुंचे आ? क्योंकि परमात्मा उत्ते देखदा सीगा उन्हां दे चंगे कम्मां नूं ते उन्हां दीआं चंगीआं नीतियां नूं। आपां याद रख्या करांगे भरावो, याद रखियो ऐदां दा CM किते खूह ना दिओ जिहड़ा दुबारा आपां नूं CM ऐदां दा मिलणा नहींगा। सो आपां तकड़े हो गए चीज नूं हमला मारना। अपनी MP सीट तों सुशील कुमार रिंकू जी जिन्हां दा चोण निशान झाड़ू आ, 2 नंबर ते निशान लिआउणा, उन्हां नूं आपां वोट पा के कामयाब बनाउणा। एक गल मैं तुहानूं होर दस जावां, चोपड़ा साहिब बैठे आ, इन्हां कोल रोज हर एक बंदा आउंदा, कोई एक दूजे का गुस्सा ना करो बे। चोपड़ा साहब ने लाडी साहब नाल जफ्फी पा के फोटो खिचा ली आ ते कुहार साहब नाल खिचा ली आ। भरावो जिन्ना मर्जी खिचाओ, ये भी सारे दुख तकलीफा के ब्याहां ते जांदे आ, कोई नहीं गुस्सा किसी का। खिचाओ फोटो खिचाओ चाहे वड्डी करके लवाओ, आपां किसी की बुराई नहीं करनी, पर दिल साफ रख के कम्मां नूं देख के फिर वोट पाउणी आ। वोट कित्थे पाउणी आ? झाड़ू ते, जिन्हां ने आपां नूं 13 महीनों विच कुछ ना कुछ तां दे दित्ता। अपना महत्वपुर किद्दां आ? इहदे विच घट्टो घट्ट नहीं महीने दा 40-50 लाख रुपया बिल आउंदा होणा लोकां दा, जिहड़ा समय माफ हो गया। आपां इह सोच नूं नहीं सोचदे, फिर बाबा इक की सोचदे आ ते मेरे घर दा 5000 रुपया बिल माफ हो गया। वीरो 5000 ना सोचो, महतपुर का कले का सोच लो ते पूरे पंजाब का सोच लो, अरबा के हिसाब से रुपया बनना जी। अज कितों आ रहा रुपया ये तुसी सोच लो, रात को बैठ के आपके बजुर्गों आपके भरावों भैणों ना सोचो बे हुण वह अरबा रुपया कितों खाते में जा रहा, अगे क्यों नहीं सी जा रहा, अगे क्यों नहीं सी जा रहा? क्योंकि MLA साहबां दीआं वड्डियां वड्डियां प्रॉपर्टियां बन गई, बड़े बड़े बंगले बन गए। कि सिरों बने आ? वो अपने सिरों बने आ। तुहाडी सवेरे मां उठदी आ, मेरी मां उठदी आ, तील बालदी आ डब्बी दी, डब्बी ते टैक्स आ, कोलगेट ते टैक्स आ, एक बुछ ते टैक्स आ, कपड़िया ते टैक्स आ, साबण ते टैक्स आ, तेल ते टैक्स आ। वो कौन दिंदा? वो मेरे गरीब भरा दिंदे। ये मेरे गरीब भरावां दा टैक्स जांदा, वो टैक्स नाल दी नाल इन्हां दा खाता लैंदा। अज बिजली बोर्ड क्यों नहीं घाटे च? अज गन्ने दे पैसे क्यों मिल गए? अज बिल भी माफ हो गया, हुण भी पैसा कितने आउंदा ही आ। ये सोच रहे हैं गल्लां वीरो, टाइम दिओ। 4 साल सरकार दे पए आ, जिदां आपां उन्हां दा कीती आ, उन्हां दा मतलब कांग्रेस अकाली दल नाल कीती आ, उदां ही आपां फिर इन्हां नाल कर देंगे जे अपने नाल ना तुरनगे। जे मेरी गल दा सहमत हो ते एक वारी हत्थ खड़े करके कह दिओ वोट झाड़ू नूं पाउणी, मान साहब नूं पाउणी।
ये तो वादा रह गया कल तो लिख के जानी है डेट कुरान का डेट लगता दो महीने बाद फिर इतने आना अज तुम मेन होर निकल देखते हैं मेनु पता उधर मैं तुम्हारू होर निकल देखना क्योंकि मेरे च प्यार ही इना आना कहना इस वार्ड पांच नंबर वार्ड के असी जित के गए हुए बस इतो ही आ डब्बा भर के भेज देना ट्रक भर के पैसा का मैं आना जिन्या दुख तकलीफा भरा ने दसिया पानी दे आपां वोट नहीं पानी तुहाडे नाल वादा रह गया जे अपने काम ये ना हो साल दे विच काम ना हो आपां वोट दे हकदार नहीं गे सारे नूं दुख तकलीफा पानी की समस्या सब तो वड्डी आ मेरा भरा सूर साहब हो गए चोपड़ा साहब इन्होंने घर घर दो मोटर लगिया होंगे एक मोटर लगी हो गरीब के घर कोई टूटी भी नहीं होंगी वो बाल्टी फड़ के सवेरे जाता पानी लेके आता आप गरीब की बांह फड़नी आ 400 रुपया दिहाड़ी कमा के आता जे ज्यादा 600 मंग लेता मेरे अलगा कहता कहदा 600 तेन पर वीरो आप इंसानों की बांह फड़नी आ जिन्हें इंसान अपने थले लग चुके थले बेचारे जमीन से अजे तक बैठे आ बादल साहब कैप्टन साहब कहते थे पंजाब नूं अमेरिका बना देंगे कनेडा बना देंगे कोई लोड़ नहीं अमेरिका कनेडा बनाने की पंजाब नूं दोबारा फिर उस पंजाब नूं सोने की चिड़ी बना दो मान साहब नूं कहिंदे ने कहा कि आपां पंजाब नूं फिर दोबारा उस सोने की चिड़ी बना दईए कि अपने बच्चे बाहर ना जाण इत्थे पढ़न सो मैं ज्यादा टाइम ले लिया तुहाडा तुहाडे चरणों विच बेनती आ कि भरावो इस बार आप फिर जिहड़ा चाह पिछे रह गया इन्हू आप अगे लेके जाइए अगे कि जाना जिथे थोड़ी रिश्तेदारी आ जिथे थोड़े भैन भरा आ जिथे अपने यार दोस्त आ उन्होंने एक बार हमला मारो ते आप शाह वीर से जिता के वेंकू जी नू कामयाब बनाइए।